हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने कुछ करेले लिए हैं और मैंने इसको बीच में से चीरा लगा के मैंने इसके सीड्स निकाल दिए हैं। सारे करेले में से मैंने इसके सीड्स निकाल दिए हैं। अब मैं इसमें नमक डाल के थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, ताकि इसमें जो कड़वापन रहता है वो सारा नमक से निकल जाएगा। अच्छे से हमें इसे नमक लगा के एक घंटे के लिए रख देना है, ताकि इसका सारा जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। अब मैं इसे ऐसे ही रख दूंगी। एक घंटा हो गया है मैंने इसे नमक लगा के रखा था। अब मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसका मसाला बना लेंगे। मैंने एक छोटी प्लेट ली है। अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल, या आप मिक्सी में से भी ग्राइंड करके ले सकते हो। एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने पीसा हुआ मूंगफली। आप इसे थोड़ा दरदरा पीस के लेना है, पूरा पाउडर नहीं करना है। इसमें डालूंगी मैं ये धनिया थोड़ा सा लिया है, और दो तीन मिर्ची और दो तीन कली लहसुन के लिए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालूंगी दो पिंच हींग। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि करेले में ऑलरेडी मैंने नमक डाल के रखा था, तो ये सिर्फ मसाले में नमक का टेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करेले का स्टफिंग रेडी है। मैंने पतीले में थोड़ा पानी डाल के इसे बॉईल करने रख दिया है। पहले हम करेले को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, ताकि हम इसे फ्राई करने रखेंगे तो ये अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और जल्दी बन जाते हैं इसे बॉईल करने से। सिर्फ 5 मिनट तक हम इसे बॉईल कर लेंगे। हम करेले को एक बार चेक कर लेंगे, ये सॉफ्ट हो गए हैं। 5 मिनट में ये करेले सॉफ्ट हो गए। अब गैस बंद कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें स्टफिंग कर लेंगे। मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है। इसमें डालूंगी एक चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे, तब तक हम करेले में स्टफिंग डाल लेते हैं। इसे अच्छे से मसाला हम इसमें भर देंगे और ये थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे, ताकि मसाला बाहर ना निकले। करेले में मसाला भर दिया है, ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब ये एक एक करके हम इसमें सारे करेले फ्राई करने के लिए डाल देंगे। हमें लो फ्लेम पे बनाना है ये। अब मैं इसके ऊपर एक छोटी प्लेट रख दूंगी, और इसके ऊपर आप कुछ ऐसे हैवी चीज़ रख दें, ताकि ये करेले को थोड़ा दबाव मिले और वो अच्छे से फ्राई हो जाए। मैं ये किस चीज़ से भरा हुआ डब्बा ले रही हूँ और मैंने इसके ऊपर रख दिया है, ताकि करेले को थोड़ा प्रेशर मिले, ये दब जाए और फ्राई हो जाए अच्छे से। इसे 5 मिनट हम फ्राई होने देंगे और फिर वापस से इसे टर्न करके हम दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब एक बार हम इसे चेक कर लेंगे, ये नीचे से फ्राई हुए हैं कि नहीं। हाँ, एक साइड से ये फ्राई हो गए हैं। अब इसे टर्न करके हम दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे। करेले दोनों साइड से बनके रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। स्टफ करेले बनके रेडी हो चुके हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।